हेलो दोस्तों, आज हम कैलकुलेशन करेंगे कि एयर का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। सिंपल है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर का मैं आपको निकाल के बताऊंगा। मेनली मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है, आपको सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में मेनली दो कंपोजिशन जो है ज्यादा रहता है, वो एक है नाइट्रोजन और दूसरा जो है वो है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो रहता है 79 आसपास रहता है, 78 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 79% है। और ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में वो है 21%। तो उसी से और बाकी जो पॉइंट में रहता है तो उसको मैं नहीं लिया हूँ। तो मेनली ये दो चीज है, वो है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो मेनली उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने से पहले इसका मॉलिक्यूलर मास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है और उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 16 है, और O2 जो है 16 × 2 = 32 है। और नाइट्रोजन का उसका एटॉमिक नंबर 7 है और उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 14 है। तो वो हिसाब से आप N2 निकालेंगे तो 28 होगा। तो इसीलिए मेनली कैसे निकालेंगे, 32 जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है 21% है, प्लस नाइट्रोजन का जो है वो है 28 है इनटू उसका कितना है एटमॉस्फेयर में 79%। 32 में 21% निकालेंगे तो ये आपका आएगा 32 इंटू 0.21, ये आपका आया 6.72 प्लस 28 × 0.79, ये है 22.12। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 28.84 अप्रोक्सीमेटली 29। ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर, बहुत सिंपल है, आप देखने से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, वेरी इजी है। चलिए, ये इतना छोटा सा वीडियो था। ओके, थैंक यू।